अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं चाहता हूं कि आप टेंशन्स को थोड़ी देर के लिए तख्लिया करें, एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि आज आप ज़िंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं, क्या ये वो एक्सपेक्टेड मोड़ है ज़िंदगी का जहां पर आपको होना चाहिए, या आप किसी गलत डायरेक्शन में हैं। कुछ लोगों की आंखें बंद नहीं है यार। अच्छा, टाइम्स अप। 80% ऑफ द पीपल जो यहां पर बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी मेरे जैसी होगी, आई एम श्योर ऑफ दैट। ट्रैवल, वर्क, ट्रैवल, होम, देन ट्रैवल, वर्क, ट्रैवल, होम, फिर आता है एक वीकेंड जिसपे हम थोड़ी देर के लिए एंथुजियास्ट होते हैं और फिर वही जिंदगी शुरू हो जाती है। हमें यह सोचना है कि क्या हमारी जिंदगी इसी डायरेक्शन में चलती रहेगी या वी वर meant to be something different। सारे यहां पर माशाल्लाह जो है वो कॉरपोरेट के मुजाहिद बैठे हुए हैं जो जबरदस्त काम करते हैं, और 40-45 साल के बाद जो है ना वो हम सबको एक लाइफ कॉल स्ट्रक करती है जिसपे हम सोचते हैं कि यार अब तक क्या किया हमने पैसा कमाने के अलावा। क्या हमने कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचा जो हमें इटर्नल खुशी दे, या क्या हमने कभी ऐसी कोई चीज़ की जिससे हमारी लाइफ बैलेंस्ड हो? डिड दैट वी मेक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अ डेली लाइफ रूटीन, या हमारी ज़िंदगी उसी डगर पर चलती रही जिस डगर पर आधी दुनिया चल रही है। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर, दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक, हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि हमारी लाइफ बैलेंस्ड हो। वर्कोहोलिक होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। कॉर्पोरेट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली एंड द कंसर्न्ड वंस दैट यू आर लिव्ड अबाउट। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की, काफ़ी आर्टिकल्स लिखे, किताबें लिखी, प्रिंसिपल्स डिसाइड किए। तो मैंने जो चीज़ अखज़ की उसमें से वो ये अखज की कि यार अगर हम इन 4 पॉइंट्स पर काम कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। और वो 4 पॉइंट्स क्या हैं, उसमें से पहला पॉइंट जो हमारा है वो है कि मान लो कि हमारी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी बैलेंस में। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी टू मूव फॉरवर्ड, कि क्या मेरी ज़िंदगी बैलेंस्ड है। अगर मैं इसी जाविये से अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूँगा कि सब ठीक है, सब बैलेंस्ड है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकूँगा। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई नीड अ करेक्शन स्ट्रक कॉल कि यार क्या मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही है। तो मुझे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, क्या क्या मैं मान लूँ कि मेरी ज़िंदगी बैलेंस्ड है या नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 क्यों है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर लोग अपना आधा दिन काम करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, ताकि वो उस पैसे से वो चीज़ें खरीद सकें जिनकी उन्हें इमिनेंट ज़रूरत नहीं होती, ताकि वो उन लोगों को इम्प्रेस कर सकें जिनकी उनकी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं है। तो हम एक बहुत वर्ल्डली सोसाइटी के अंदर हैं जिसमें हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास सबसे अच्छा घर हो, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, एक फ्लैट से लेकर फिर बड़ा फ्लैट, फिर मकान, फिर बड़ा मकान। हम इस रेस में इस चीज़ को भूल गए हैं कि इस मकान को घर भी तो बनाना है हमने। क्या ये मकान घर नहीं कहलाएगा कभी, या क्या इस मकान को मकान ही रहने देना। तो फॉर दिस वी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि हम इस रेस का हिस्सा हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा।
ज़रूरी चीज़ ये नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने इन इश्यूज को मास्क करना शुरू करते हैं कि मैं सैटरडे को कैजुअल्स में आ जाता हूँ यार, ठीक है, वासिफ यार फ्लेक्सिबल टाइमिंग कर दो प्लीज़ यार। तो क्या फ्लेक्सिबल टाइमिंग और सैटरडेज को जीन्स टी शर्ट में आने से क्या लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी? नहीं, दे आर जस्ट मास्किंग द कोर इश्यू विच यू आर फेसिंग राइट नाउ कि ये चीज़ सही नहीं है। यू नीड टू वर्क बियॉन्ड दिस, सी बियॉन्ड दिस कि ये मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है। द सेकेंड प्रिंसिपल जो हम सोच सकते हैं कि हमारे मसले हल करने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमें अपने मसले खुद हल करने हैं। छोटा मोटा एक स्विच तो मैं भी लगा लेता हूँ घर में, अगर ख़राब हो जाता है ना तो वो मैं भी लगा लेता हूँ, उसके लिए मैं इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाता। तो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा मसला जिस पे मैंने आज इतना वक्त गुजार लिया, उसको हल करने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चेक करूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे मसले क्या हैं और मुझे वो हल कैसे करने हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से, अगर हम अपनी ज़िंदगी को, हम सब अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मोल्ड नहीं करेंगे तो कोई और उसे उसके हिसाब से मोल्ड कर लेगा, और शायद फिर ये हमारे लिए उस वक्त एक्सेप्टेबल ना हो जब हमारे साथ ही हो रहा हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आज हम जिस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हैं, एवरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इवन द बेस्ट वंस, यू कैन से द MNCs, दे हैव एन इनहेरेंट फीचर, या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक कि दे नीड टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू एज दे कैन एज पॉसिबल। वी हैव द सेम टेंडेंसी, जब हम एक मजदूर को घर पे बुलाते हैं, एक कारपेंटर को घर पे बुलाते हैं, तो कहते हैं यार ये आज कर देना, एक दिन के पैसे दूंगा। या वो एक्सेप्ट कर लेता है या वो कहता है नहीं सर ये दो दिन का काम है। हम शायद इस फेज में आके थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट कि हमारे मसले हल करने के लिए और कोई नहीं आएगा, हमें खुद हल करने पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 कि सब आज करना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, मुझे बताएं कि एक आइडियल दिन क्या होगा। एक आइडियल दिन के बारे में सोचें, विच इज यूजुअली आर संडेज। बेसिकली हम आराम से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद घर की थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज की, बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले गए, उसके बाद वाइफ को घुमाने फिराने ले गए, फिर उसके साथ डिनर किया बाहर आपने आके, एंड यू केम बैक होम गो टू बेड। ये एक आइडियल दिन है, क्या ये एक रियलिस्टिक दिन है? नहीं, एवरी डे कैन नॉट बी अ संडे, यूजुअली व्हेन द रिसोर्सेस आर शॉर्ट। तो हम एक आइडियल दिन और एक रियलिस्टिक दिन के बीच में एक बैलेंस दिन को ढूंढते हैं कि एक बैलेंस दिन मेरे लिए क्या होगा, क्या मैं कर सकता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को बैलेंस्ड कर लूं। हमारी आज की टेंडेंसी क्या है, हमारी आज की टेंडेंसी ये है कि हम अपने दिन को स्ट्रेच कर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये काम आज करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम प्रायोरिटाइज करें कि 3, 2 और 5 ये मैं कल पे लेके जा सकता हूँ, इसकी आज ज़रूरत नहीं है, ताकि मेरा आज भी बैलेंस्ड रहे और कल भी बैलेंस्ड रहे। लेकिन वी हैव अ टेंडेंसी टू इलोंगेट आवर डे, टू स्ट्रेच आवर सेल्स एंड ऑब्टेन एज मैक्सिमम एज वी कैन कि मैं सब आज कर लूँ। तो कल क्या करोगे, कल फिर परसों का काम करोगे, और परसों क्या करोगे, परसों फिर करसों का काम करोगे, एंड द लाइफ गोज ऑन। एंड देन आफ्टर 45, 50 यू विल गेट अ स्ट्रक कॉल के यार परसों तरसों चरसों के चक्कर में मैं कहाँ पहुँच गया, ये तो नेवर एंडिंग वॉर है, ये नेवर एंडिंग रेस है, ये तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड कर चलें और अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लें कि ये आज ज़रूरी है, ये आज ज़रूरी नहीं है, ये कल पे मैं लेके जा सकता हूँ, ये आज करना ही करना है क्योंकि मेरे बॉस ने मांगा है। पॉइंट नंबर 4 इज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में एतदाल लाएं और छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढें। अब अपनी ज़िंदगी में एतदाल कैसे ला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त का बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है,
वो मुझे ये कह रहा था कि यार शहबाज, लांडी में कहीं नौकरी वोकरी हो गई मेरी और 10 घंटे में काम करता हूँ, 2 घंटे ट्रैवल में निकल जाते हैं, वर्क डोमिनेटेड हो गई है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, मेरे पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मैंने सोचा कि यार अब इन चीज़ों को ग्रिप करना है, इन मसलों को हल करना है, एंड आई सडनली जॉइंड अ जिम। तो क्या ये हल है मसले का कि उसने एक जिम ज्वाइन कर लिया ताकि वो अपने इश्यूज से भाग सके? वो सिर्फ अपने कोर इशू को रूट कॉज एनालिसिस करके नहीं देख रहा, उसके ऊपर उसने एक जिम का मास्क लगा दिया कि शायद इससे मेरा दिल बहल जाएगा। देर आर डिफरेंट साइड्स ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, द इंटेलेक्चुअल वन, द स्पिरिचुअल वन, द इमोशनल वन एंड द फिजिकल वन। Why do we always need to cater the physical one, which is the least bothered side of our life? हम emotional side पर ध्यान नहीं देते, हम intellectual side पर ध्यान नहीं देते, हम spiritual side पर ध्यान नहीं देते, हम family के साथ time नहीं गुजारते, हम दीन के लिए वक्त सर्फ नहीं करते, हम me time नहीं गुजारते। इस रेस में हम अपना me time भूल चुके हैं। मुझे क्या पसंद है? मुझे PS4 पे गेमें खेलना पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। सो आई एम वन ऑफ यू गाइस जो इस रेस में सवार हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ कैसे लेकर जाऊँ। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम ज़िंदगी के हर जाविये को देखें, तभी हमारी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ कहलाएगी। हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम हो, जो आपका ऑफिस का टाइम है, गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर बेस्ट क्वालिटी टाइम टू द ऑफिस। क्योंकि दयानतदारी एट वर्क क्या है? हलाल रिस्क कमाना इबादत, ये एक हदीस है और ये बहुत बड़ी हदीस है। जब इसको आप बहुत गौर से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हदीस यही कहती है कि गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर क्वालिटी टाइम टू योर एम्प्लॉयर, क्योंकि ये भी इबादत में सर्व हो जाएगा इफ़ यू हैड द राइट नीयत इन दिस। फिर थोड़ा दीन के लिए टाइम निकालें, थोड़ा अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें। अच्छा, मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं था आज से 3-4 महीने पहले, कुछ मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन हम दोस्त यार बैठे हुए थे चाय के होटल पे, तो उसने मुझे कहा कि यार शहबाज, आई केम अक्रॉस अ वेरी डिफरेंट थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आज मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि यार सबसे छोटे बेटे को आप पिक कर लेंगे, मैंने ज़रा बाकी 3 बच्चों के साथ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑफिस से, उसने ऑफिस से अर्ली ऑफ लिया और जो है वो बच्चे को पिक करने चला गया। द फर्स्ट सरप्राइज दैट ही गेव इज किड के वो स्कूल के गेट पे खड़ा हुआ था, अम्मी की जगह अब्बा खड़े हुए थे। तो एक अलग खुशी बच्चे के, यार क्या बाबा, आज तो पार्टी होगी। फिर वो उसको लेकर गया वहाँ पर पार्क में, झूले झुलाए, उसके बाद उसको पिज्ज़ा बहुत पसंद था, पिज्ज़ा और आइसक्रीम खिलाई, क्योंकि कभी कभी तो चलता है ना यार। इसके बाद उसको वो घर लेकर आया, उसको शावर दिया और उसके बाद उसको कंबल में डाला सुलाने के लिए। जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था, उसके बेटे ने कहा, डैड, आई हैड द बेस्ट डे एवर टुडे, आई लव यू फॉर दिस। उसने कहा, आई लव यू टू बेटा, और वो बाहर आ गया। बाहर निकलते हुए उसने ये सोचा कि मैंने आज ऐसा क्या किया जिसने मेरे बेटे का दिन बना दिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जो पॉइंट है ना, छोटी छोटी खुशियां, ये छोटी छोटी खुशियां शायद आपके लिए छोटी हैं, लेकिन वो किसी के लिए उसका पूरा दिन और शायद पूरी जिंदगी बना सकती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी को भी ढूंढना है और दूसरों की जिंदगी को भी ढूंढना है। और जब आप और मैं और ज़्यादातर लोग सोसाइटी के इस अप्रोच पर आ जाएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस तरीके से कैसे लेकर चलें और छोटी खुशियां लोगों को कैसे दें, तो जो सोसाइटी में इस वक्त सक्सेस की डेफिनेशन है उसको शायद हम रीडिफाइन कर पाएंगे। आज सोसाइटी में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आज सोसाइटी में सक्सेस की डेफिनेशन है जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कामयाब है। क्या यही है? और हम सब इस रेस का हिस्सा हैं। टू अ मोर बैलेंस्ड डेफिनेशन, अ मोर मीनिंगफुल, अ मोर थॉटफुल डेफिनेशन, कि जिसकी जिंदगी सबसे अच्छी है ना भाई, वो कामयाब है। मेरे नज़दीक पैसा इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट,
मेरे नज़दीक ज़िंदगी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या करूँगा मैं उस पैसे का जब मैं रिटायर हो जाऊँगा और मेरे पास खर्च करने के लिए नहीं होंगे, मेरे पास वो लोग नहीं होंगे जिन पर मैं वो टाइम सर्व कर सकूँ, जिन पर मैं वो पैसा खर्च कर सकूँ, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स द आइडिया आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल गाइज। थैंक यू।